हेलो फ्रेंड्स, आज हम कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे हम पूड़ी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक कैरी को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और पोंछ लिया है। अब हम इसको कट करते हैं। कैरी को हम छोटे छोटे पीस में कट कर तैयार करते हैं। हमने पूरी कैरी को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। हम इसमें 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून सॉल्ट ऐड करते हैं, 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 पिंच हींग ऐड करते हैं और 1/2 स्पून गरम मसाला और 2 स्पून सौंफ ऐड कर देते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम एक पैन में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लेते हैं और इसके अच्छे से गर्म होने पर इसमें 1/2 स्पून जीरा ऐड करते हैं और उसके बाद कैरी को डाल देते हैं। इसको अच्छे से चलाते हैं। और कुछ समय के लिए इसको कवर करके रख देते हैं। लगभग 5 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी कैरी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और फिर से 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। अब हम फिर से चेक करते हैं। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। हमारा कैरी का खट्टा मीठा अचार बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस अचार को हम पूड़ी, परांठे और चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।